असम मेघालय की सरकारों के बीच विवादित 12 में से 6 इलाकों को लेकर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा और मेघालय के सीएम कोनराड सांगमा की बैठक के दौरान यह समझौता हुआ है। इसी के साथ दोनों राज्यों के बीच दशकों से लंबित सीमा विवाद सुलझाने में बड़ी सफलता मिल गई है। और यहाँ गौर करने वाली बात है कि 6 विवादित इलाकों को लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच कई दौर की बैठकें हुई। इलाकों की जमीनी हकीकत जांचने के लिए दोनों राज्यों की ओर से क्षेत्रीय कमेटियों का भी गठन किया गया और उन्हीं की रिपोर्ट के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय को अंतिम रिपोर्ट सौंपी गई थी। विवादित 6 इलाके जिसे लेकर दोनों राज्यों के बीच समझौता हुआ उनमें हाहिम, गिजांग, ताराबाड़ी, बकलापाड़ा, खानापाड़ा, पिलिंगकाठा और राताचेरा शामिल है। यही वह 12 में से 6 विवादित इलाके हैं जिसे दोनों राज्यों के बीच पहले चरण के तहत हुई मुख्यमंत्री स्तर की कई बैठकों के दौरान सुलझाने की कोशिश की गई थी। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का उपस्थिति में असम और मेघालय का मुख्यमंत्री और हमारा स्टेट का अधिकारी का सब लोग मिल के ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में हस्ताक्षर किया और जो से सीमा विवाद है उनको सुलझा लिया। मेरा हिसाब से एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक माइलस्टोन है जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन और आदरणीय गृह मंत्री जी का कंटिन्यूअस एफर्ट के लिए संभव हुआ है। 1972 में मेघालय वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम असम, लेकिन जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना उस समय कांग्रेस कुड हैव रिजॉल्व दैट कि भाई असम का पूर्व पश्चिम दक्षिण कहाँ होगा, लेकिन जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल बना उसमें कांग्रेस उस समय का सरकार ने कांग्रेस सरकार ने इसको वेग रख के सला गया और उसको वेग रखने सला गया उसका कारण फ्रॉम 1972 हम लोग आपस में फाइट ही करते रहा और आप लोग जानते हैं जब आपस में झगड़ा होता है इट इज समटाइम इट इज आल्सो टेक वायलेंट टर्न एंड देयर आर मेनी कैजुअलिटीज इन द वेरियस टाइम ऑफ आवर हिस्ट्री। लेकिन आज वो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 1972 में जो संभव नहीं हुआ आज इसको 50 साल का बाद इसको सुलझाने का एक प्रयास चला। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रेरणा दिया, गृह मंत्री अमित शाह जी ने हर दिन एक प्रकार से टेलीफोन करके बातचीत करके हम लोग को एनकरेज किया कि ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो। आज असम और मेघालय का 12 डिस्प्यूटेड पॉइंट था से पॉइंट में डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ है और बाकी से डिस्प्यूट भी लगभग हम लोग ने एक रिजॉल्व का रोड में बना लिया। तो आज जो असम और मेघालय का सीमा का विवाद था बहुत ही डिफिकल्ट था, तो ये से विवाद का जो समाधान का शुरुआत हुआ इट विल सेंड ए राइट सिग्नल टू ऑल अदर डिस्प्यूटेड साइट्स कि भाई एक से अगर संभव हुआ है बाकी भी संभव होगा। आज उत्तर पूर्व में एक नया आशा का एक जागरण हुआ कि भाई आप लोग एक साथ रह सकता है, सीमा विवाद सुलझ सकता है और एक नॉर्थ ईस्ट का रूप से आप लोग आगे बढ़ सकता है। और वहीं मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने ऐतिहासिक समझौते पर खुशी जाहिर की और साथ ही उम्मीद जताई कि अगले कुछ महीने में बाकी बचे विवादित स्थलों पर भी सीमा विवाद सुलझा लिया जाएगा। आज एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग मेघालय और असम सरकार दोनों की तरफ से एक अंडरस्टैंडिंग में हम लोग आज पहुंचे हैं गृह मंत्री जी के प्रेजेंस में। आज के दिन में मैं हमारे गृह मंत्री जी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं क्योंकि उनकी लीडरशिप में और उनके डायरेक्शन में दोनों मेघालय और असम गवर्नमेंट साथ में आए। पिछले सरकारों ने भी कोशिश की है, काफ़ी काम किया, लेकिन एक जिस तरीके से गृह मंत्री जी की तरफ से एक पॉलिटिकल विल असम गवर्नमेंट और मेघालय गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके से पॉलिटिकल विल था आज उसका नतीजा आज हमें मिला है और मुझे बहुत खुशी है कि दोनों स्टेटों ने 12 में से 6 लोकेशन में हम लोग आज एक सोल्यूशन में पहुंचे हैं और एक एग्रीमेंट हम लोगों ने आज साइन किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में हम लोग बाकी 6 लोकेशंस में भी
हम लोग एक समाधान में और एक समझौते में हम लोग पहुंच पाएंगे। मुझे विश्वास है कि बाकी स्टेटों में भी जहां इस तरह के डिफरेंसेस हैं इसी तरह काम शुरू होगा और ये जो डिफरेंसेस हैं वो रिजॉल्व होंगे। हमारा मानना है, गृह मंत्री जी का भी आदेश यही है कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो डिस्प्यूट्स हैं इसे हम लोग जितनी जल्दी हो सके हम लोग इनको रिजॉल्व करें, क्योंकि इन्हें रिजॉल्व किए बगैर हम नॉर्थ ईस्ट को आगे नहीं ले जा पाएंगे। तो इसलिए हमारी तरफ से कोशिश यही है कि हम लोग इसे करें। और आज एक ऐतिहासिक दिन है, हमारी कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी हो। इसमें टाइम फ्रेम ये प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस में हम लोग एक लेवल पर हम लोग आज कल या दो महीने तीन महीने हम ऐसा नहीं कह सकते, ये प्रोसेस है। लेकिन जितनी हो सके जल्दी हम लोग इसे कोशिश करेंगे।